सभी मीडिया के साथियों का स्वागत करता हूं। आज बहुत अहम मुद्दे पे मैंने आपको मुखातिब करने के लिए दावत दी है। आपने एक आर्डर जो है गवर्नमेंट का एक फरमान पढ़ा होगा दो तीन दिन पहले ही, जिसमें सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए नई कई वाइन शॉप्स खोलने का फैसला लिया है, और उसमें एक वाइन शॉप जहां तक मुझे पता चला है कि सुरनकोट में भी उन्होंने फैसला लिया है कि एक शराब की दुकान जो है वो सुरनकोट में भी हम खोलेंगे। तो ये हम इसको बिल्कुल जो है कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं सुरनकोट की लोगों की तरफ से, सुरनकोट के आवाम की तरफ से सरकार को वार्निंग करने के लिए आज आपको दावत दी है कि मैं आपके थ्रू सरकार को ये वार्निंग दूं, ये चेतावनी दूं कि आप कतई ऐसा फैसला मत लेना। आप ये सोचना भी मत कि आप सुरनकोट में शराब की दुकान खोलने की सोचोगे और यहाँ के बच्चों को बर्बाद करने की साजिश करोगे, तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे कि आप हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलो, हमारे लोगों के साथ खिलवाड़ करो कि आप सुरनकोट में आप स्कूल देने के बजाय, आप और कॉलेज देने के बजाय, आप यहाँ की तरक्की कर हॉस्पिटल अच्छा करने के बजाय आप जो हमें शराब की दुकानें दे रहे हो, आप हमारी फ्यूचर जनरेशन को तबाह करना चाहते हो। एक बहुत बड़ी साजिश है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम सड़कों पर आएंगे और हम जो है बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे कि यहाँ शराब की दुकान खोलें। इसलिए मैं एलजी साहब से भी अपील करना चाहता हूँ और जो एडमिनिस्ट्रेशन है यूटी जम्मू कश्मीर की, उससे कि आप ये फैसला वापस लो। हम यहाँ शराब की दुकान नहीं खोलने देंगे। उसके लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये हम अपने इलाके के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इसलिए जो है मेरी सारे सुरनकोट के लोगों की तरफ से ये आज जो है सरकार को चेतावनी है, एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी है, अगर उन्होंने ये फैसला नहीं बदला तो हम सड़कों पर आएंगे और हम इस तरह की कोई शराब की दुकान जो है वो नहीं खुलने देंगे। ये हम साफ वाजह कर देते हैं।